हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हैंड टूल्स के बारे में बताऊंगा कि हैंड टूल्स क्या होता है और कहाँ पे कैसे उपयोग किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रीशियन के लाइफ में, यदि हिंदी में बोले तो उनका हाथ या पांव होता है, उनके बगैर कुछ इलेक्ट्रीशियन बंदा नहीं कर सकता बगैर टूल्स के ज़रिए। ठीक है दोस्तों, तो मेरा नाम सूरज यादव, मैं यह वीडियो आगे लेके चलता हूँ, जो कि इससे पहले हमने 40 क्वेश्चन पूरा कर चुका हूँ, तो आज मैं 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, जिससे कि ये चैप्टर का नाम है हैंड टूल्स। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 2 है, इसके पहले हमने एक चैप्टर क्लियर कर चुका है। ठीक है, तो प्रश्न होगा, विद्युत कार के लिए दस्ती औजार क्या महत्व है, या उनके लिए क्या महत्व होता है, ठीक है, उनकी औजार। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, विद्युत कार या इलेक्ट्रीशियन ही का क्या प्रत्येक कारीगर के लिए दस्ती औजार ही उनके हाथ पांव हैं। इसके बिना कोई भी निर्माण अथवा मरम्मत कार्य कर पाना कठिन होता है। कारीगर की कार्यकुशलता दस्ती औजार और गुणवत्ता पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 42 पे। 42 है, विद्युत कार के लिए कौन कौन से दस्ती औजार की आवश्यकता होती है, या इलेक्ट्रीशियन के लिए कौन कौन सा औजार उपयोग में आता है। ठीक है, मुख्य, तो हम इसका आंसर जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले होता है पेचकस, नंबर दूसरा होता है कम्बिनेशन प्लायर, जिसको हम गांव की भाषा में प्लास बोलते हैं, साइड कटिंग प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, पोकर, जिमलेट, छेनी, आरी, एक्सा और हथौड़ा, मैलेट, चाकू, हैंड ड्रिल मशीन, रेती, स्कॉट एंड हाई हैंड वाइस, डबल प्लग टूल, स्केल, ड्राई स्क्वायर, रेंच, कैची, सोल्डिंग आयरन, वायर गेज इत्यादि। ठीक है दोस्तों, ये जो औजार है ये मुख्य होते हैं, जो कि इलेक्ट्रीशियन के लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ हम दूसरा क्वेश्चन चलते हैं 43 पे। विद्युत कार के पास कैसा पेशकश होना जरूरी है या होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों, विद्युत या इलेक्ट्रीशियन के पास 8 सेंटीमीटर का बीट वाला छोटा पेशकश कनेक्टर और 15 सेंटीमीटर विड्थ वाला बड़ा पेचकस होना चाहिए। ये दोनों पेचकस अच्छे निर्माण या निर्मित होते हैं, जो कि गेंडोर, तापी आदि द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ। 44 पे, कम्बिनेशन प्लायर का आकार क्या होता है, या जिसे हम बोलते हैं प्लास गाँव की भाषा में, उसका आकार, उसका साइज क्या होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होता है, विद्युत कार के लिए 20 सेंटीमीटर आकार का सबसे अच्छे स्टील का बना इंसुलेशन कम्बिनेशन प्लायर उपयुक्त होता है। ठीक है, तो हम प्लास के ऊपर या कम्बिनेशन प्लायर के ऊपर बताना चाहते हैं आपको, कभी भी प्लायर लेना तो उसका इंसुलेशन और प्लायर का टोटल भाग जरूर चेक कर लेना, अन्यथा प्लायर मत लेना। मेन चीज़ क्या है, इंसुलेशन और उसका जो भाग, उसका पहले मैं बताता हूँ प्लायर या कम्बिनेशन प्लायर उसको बोलते क्यों हैं, क्योंकि एक से अधिक कार्य किया जाता है उस प्लायर के द्वारा, इसलिए उसे कम्बिनेशन प्लायर बोला जाता है। ठीक है, उसके जो द्वारा हम वायर को छील भी सकते हैं, काट भी सकते हैं और वायर को जोड़ भी सकते हैं, या मतलब ट्विस्ट करना, एक वायर को दूसरे वायर से जोड़ना और उसके द्वारा चालू लाइन में, तो इसीलिए हम उसको कम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं। लेते समय उसका इंसुलेशन और सारा भाग चेक करके ही लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पे, 45 पे। विद्युत कार्यों के लिए साइड कटिंग तथा लॉन्ग नोज प्लायर का आकार क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आकार 15 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा ये दोनों भी इंसुलेशन के प्रकार होना चाहिए। ठीक है, जो कि ये इनके साइज होता है 15 सेंटीमीटर होना चाहिए और दोनों पे इंसुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, 46 पे।
सजीव चालकों पर किस प्रकार के प्लायर्स प्रयोग किए जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आइसोलेटेड प्लायर्स, ठीक है। हम चलते हैं 47 पे। प्लायर खरीदते समय किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, अभी हमने आपको बता ही दिया था दोस्तों, जैसे कि प्लायर की लंबाई 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। नंबर दो होता है प्लायर की किस्म निर्पात, स्टील की किस्म देखना चाहिए। और नंबर तीन हो जाता है इंसुलेटेड नॉन इंसुलेटेड इंसुलेशन वोल्टेज सहन सीमा, वो कितने वोल्टेज तक सह सकता है, ठीक है। और हम चलते हैं 48 पे। क्या कम्बिनेशन प्लायर से स्टील की तार काटी जा सकती है? जी नहीं, इसका आंसर होगा जी नहीं, हम प्लायर के द्वारा स्टील की तार नहीं काटते, ठीक है दोस्तों। हम चलते हैं 49 पे। यदि इंसुलेटेड कम्बिनेशन प्लायर से तट पर बहुत गर्म बहुत ही वस्तुएं पकड़ी जाए तो क्या होगा? तो इसका मतलब है यदि हम इंसुलेशन कम्बिनेशन प्लायर से बहुत ही ज़्यादा गर्म कोई भी चीज़ पकड़ेंगे तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा प्लायर पे, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा, यदि बहुत ज़्यादा गर्म हम प्लायर के द्वारा पकड़ेंगे तो इंसुलेशन जल्दी उसका ख़राब हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे या 50 पे। पोकर का उपयोग क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हम जान लेते हैं, इसे हम सुंभी भी कहते हैं। इसके द्वारा लकड़ी की बोर्ड या राउड ब्लेक आदि पेच बैठाने के लिए छोटे छिद्र बनाए जाते हैं, तो इसके बीट के आकार 15 से 20 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। जिमलेट का कार्य या उपयोग क्या होता है, ठीक है, जिमलेट का, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका उपयोग लकड़ी की फिटिंग में छिद्र करने के लिए किया जाता है। विद्युत कार्य के लिए 3, 6 एवं 12 सेंटीमीटर व्यास वाले जिमलेट उपयुक्त होते हैं, ठीक है दोस्तों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विद्युत संबंधित कार्यों में कौन सी छेनी उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इस पे पहले मैं बता दूँ, ये छेनी जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं आंसर। और नंबर एक क्या होता है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है फॉर्मल चीजल या चौरसी, और नंबर दो होता है कोल्ड चीजल, ठीक है, जो कि इसके बारे पूरा विवरण लिखा गया है। ये फॉर्मल चीजल है और एक होता है कोल्ड चीजल, जो कि फॉर्मल चीजल इसकी बीटे का आकार 20 से 25 एमएम शायद है, एमएम होता है तथा और यह कार्बन स्टील है, यह कार्बन स्टील की बनी होती है। इसके द्वारा लकड़ी को फिटिंग या नाली बनाने के लिए लकड़ी छोलने के लिए कार्य किया जाता है। और इसका कोल्ड चीजल का या 20 से 25 एमएम के ओर से कार्बन स्टील की बनी होती है। इसके द्वारा कार्बन स्टील बनी होती है, इसके द्वारा दीवारों को सिद्ध किया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चीजल हैंड के फैल जाने से क्या हानि होती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, फैल हुए चीजल के हैंड में से टुकड़े टूट कर छिटक सकते हैं और कारीगर को चोट पहुंच सकते हैं, अतः फैले हुए हैंड ग्राइंडर से घिसकर ठीक कर लें, तभी उस चीजल का प्रयोग करें। दोस्तों ये बोल, इसका मतलब ये है, जो जैसे कि हम अपने जो चीजल के द्वारा काम करते हैं तो कभी कभी देखते हैं कि उसके ऊपर ये पतली पतली पत्तियाँ से निकल जाती है या चौड़ी हो जाती हैं, तो जब उस पर काम करते वो टूट के कारीगर जो भी है उसके आँख में जा सकता है, उसको चोट भी पहुँच सकती है, तो उसको क्या करना चाहिए, हमें जैसे ही वो फैलना स्टार्ट हो तो हमें ग्राइंडर के द्वारा उसको घिस देना चाहिए और समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आयरन स्टोन का उपयोग, आयरन स्टोन, तो इसका आंसर होगा दोस्तों, या चाकू या चौरसी आदि की धार को तेज करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये आप देखे होंगे कभी कभी आपके गांव या शहरों में साइकिल पे लगाए होते हैं और वो कैंची या किसी चीज़ में धार लगाते हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं आयरन स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम 55 पे। विद्युत कार के लिए कैसी आरी आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका,
55 नंबर का, विद्युत कार के लिए या इलेक्ट्रीशियन के लिए 30 से 40 सेंटीमीटर लंबी टेरेंसा की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बढ़ते हैं इस समय 56 नंबर पे। विद्युत संबंधित कार्यों में हेक्सा का उपयोग क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका हेक्सा क्या है। ठीक है, तो इसके द्वारा कंड्यूट पाइप, जीआई पाइप, बोल्ट आदि काटे जाते हैं हेक्सा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 57 नंबर, हेक्सा में ब्लेड परिवर्तन करते समय किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्लेड दांतों की आगे की ओर रखें जिससे कि वह आगे की ओर गति करते समय धातु काटे। ठीक है दोस्तों, नंबर 58, विद्युत कार्य के लिए कैसा हेक्सा उपयोग किया जाता है या होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, विद्युत कार के लिए 30 सेंटीमीटर आकार का एडजस्टेबल फ्रेम वाला हेक्सा उपयोग किया जाता है। तो टेरेंसा आगे बढ़ते समय लकड़ी को काटता है या पीछे लौटते समय काटता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह आगे बढ़ते समय लकड़ी को काटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 60, विद्युत संबंधित कार्यों में किस प्रकार का हथौड़ा प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, विद्युत संबंधित कार्यों के लिए 400 ग्राम वजन वाला बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत कार्य के लिए मैलेट का क्या उपयोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका उपयोग जीआई तथा मोटे कॉपर तारों का सीधा करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बस, आज हमारा 61 क्वेश्चन पूरा हो गया है, जो कि आगे मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तब तक आज के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।